गिरोगे ना गर्मियों चाची में। पूरा येलो येलो चूजा बना के और अभी चाची को भी समझ नहीं आ रही कि कौन सा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत होंगे। अच्छा जितने भी रहने कैंडली में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही मैं उठाऊँ मैं भागा हूँ अब्बास के पास, तो मतलब ये भी सो रहा था अभी इसको फ़ोन किया तो ये यहाँ पर था। अभी तकरीबन 20 से 25 मिनट रहते हैं ऑफिस बंद होने में, जहाँ से मैंने छुट्टी लगवानी थी पीआई के दफ्तर। तो अभी ये गए दूसरे प्लग लेने, पता नहीं वो दूसरा लड़का अभी सो रहा है। आ गया ठीक है तो हम फिर कल जाएंगे। आ गया फरहान, आ गया। चलो फरहान दुकान संभालो, हम लोग पैसा मार के आ रहे हैं, चल रहे। अभी हम गाड़ी ढूंढ रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात हो जाए फिर देखने चलते हैं आगे। हाँ हो गया। सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं पीआईए के ऑफिस और अभी ये बंद करने लगे थे। अगर 10 मिनट रहते अगर पहले बंद कर देंगे मारेंगे हम लोग। जाएंगे हम ज़बरदस्ती घुस जाएंगे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी टिकट हो चुकी है जो कि ये रही, चले शुक्र। साथ में हमने हमें ये भी गिफ्ट मिले, चले अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये है पीआईए का ऑफिस और ये कुछ इस तरह से माशाल्लाह बस यहाँ का प्यारा है। आ जाओ बस यहाँ से पानी भी पी लें। और ये कुछ इस तरह सेटअप इनका पिए। अब हाँ ये वहाँ पर भी है, वहाँ पर पीआईए ऑफिस में भी खड़ा हुआ ये। चलो अच्छा पानी तो पिए यहाँ से, चलो फलूदा खाते हैं भाई। अच्छा अभी अभी हम लोग फिर से आ गए हैं माल हलवियात कसरे शरीर। कसरे शरीर भाई कहाँ पर? लास्ट टाइम भी हमसे काफ़ी लोगों ने पूछा था भाई, मदीना में है जहाँ पर वो सूख डोली है ना सामने, तो सामने पीआईए का ऑफिस है और उसी के वो देखें यहाँ पर ये छतरी बनी हुई पीआईए का ऑफिस है उसके सामने ये कसरे शरीर है। और अंदर चलते हैं इनका फलूदा खाते हैं हम लोग। माशाल्लाह अभी अंदर आ गए और अंदर चलते हैं कि आइटम वगैरह चेक करते हैं। और ये हम यादगार के तौर पर ना तीन पीस लाए। कितने? तीन है ना भाई, तीन है। एक मैं ले जाऊँगा, एक दो पास रख लगा दुकानों पर। और सामने मैच भी चल रहा है। अबे यार बस ये तूने क्या मंगा लिया? चाट मंगा लिया? चलो यार चना चाट है और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है क्या। और भी ये चना चाट तो खराब ही खाएगा और मैं खा रहा हूँ गाइस आज फलूदा। इसको कितना ज़्यादा फलूदा डाल दिया उन्होंने इस तरह से कुछ। ठीक है इसका भी है बस तेरे वाला प्यारा दिख रहा है यार, अच्छा ही लग रहा है। पर क्यों तुम्हारे ऊपर मनुष्यत है। अभी फलूदा हमने खा लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। और यहाँ पर देखें कितने सारे आइटम होते हैं, ख़ास तौर पर केक मुझे बहुत प्यार लगे यहाँ के। देखो छोटे छोटे हमारे वहाँ तो बड़े बड़े होते हैं, पर यहाँ पर बड़े भी हैं। अच्छे नीचे ऑर्डर पे बना देंगे तो वह सेटअप बस अच्छा है इनका, मशहूर जो है भाई। तो भी अभी हम लोग गए हैं हमारे घर वाले मोहल्ले में, क्योंकि यहाँ से जो ना यहाँ पर एक भाई है उनसे ना बात बात करते हैं अब्बास के घर की। वैसे इसने भी एक दो ढूंढे हुए हैं, बाकी एक यहाँ पर है चाचा बोल रहा था कि उसके पास तीन रूम वाला और थोड़ा सस्ता है, तो हमने सोचा वो वाला घर पे थे। मेरी टिकट भी हो गई है और अभी जो है बहुत जल्द मैं चला जाऊँगा। खैर हुई जद्दे से ही है, मदीना से मिल रही है। खैर अभी क्या कर सकते हैं भाई, जहाँ से भी हो फिर जो पुरानी थी वो भी ऐसी थी। मैंने बोला चलो जो भी हो रही है अभी चलो अलहमद। खैर अभी हम लोग वापस ही जा रहे हैं भाई। ऐसा बेकार बंदा हमें मिला ना वहाँ पर, उन्होंने रखा था मसरी ना सफाई की उतना कुछ, और डेढ़ घंटा हमने घुमाया फिराया, बोलते आ रहा हूँ वहाँ पर था ही नहीं, अपने मोबाइल पर लगा हुआ था। मतलब मोबाइल पर लगा हुआ था और हमें बोलते मैं उधर बैठा हूँ उधर बैठा हूँ उधर बैठा हूँ। और जब हम लोग वहाँ पे गए फ़ोन पे लगा हुआ, हम लोग बोल रहे हैं हाँ भाई गेट की चाबी कौन सी बिल्डिंग है, बता नहीं रहा। और ये अब्बास को ज़्यादा जल्दी थी, इसने एक फैमिली वाला फैमिली थी उनका गेट जाके खोल दिया, फिर बोलते इधर फैमिली है। तो बस ऐसे जान छुड़ा के हम लोग आ गए अभी, तो बिल्कुल ही बेकार बंदा था, क्या बोलें अभी उसको। खैर अभी मैं आ गया हूँ चाचा चाची के साथ। चाचा चाची ये रहे और आज मुझे इन्होंने बोला कि हम लोग जा रहे हैं सूख पे, तो आज सूख मतलब शॉपिंग मॉल है वहाँ पर। तो अभी मैं भी इन्हीं के साथ में आ गया, अभी देखते हैं कौन सी शॉपिंग मॉल है यहाँ पर। तो अभी अभी हम लोग आए हुए हैं, ये देखो मीर के नाम से है, मीर काटो मीर कातू होगी, चलो मीर कातू है। और अभी आगे चलते हैं आगे अपन के, और साथ में है बिस्कुट व हलवा, सामने रेड टैग है और इधर जो ना 22 है ये लास्ट टाइम जो ना चाची चाचा ने ना यहीं से भेजा था मेरी वाइफ के जो शूज़ थे रेड टैग से 120 रियल के, इनको बहुत महंगे पड़ गए थे। हाँ चलो चाची ये तो 22 है 22 रियल वाली यही है मार्केट, चलो अभी इसके अंदर चलते देखते हैं 22 रियाल में क्या क्या यहाँ पर। अच्छा अभी यहाँ पर हम लोग आ गए हैं और ये देखो वही शर्ट्स हैं जो मैं 35 रियाल ऐसे कुछ लाया था, और यहाँ पर ये 25-25 रियाल में, मतलब 22 रियाल के लेकिन टैक्स के साथ 25 रियाल के। और ये देखें कितनी प्यारी प्यारी शर्ट्स हैं यहाँ भाई। तो अभी यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, मतलब कपड़े वगैरह देख रहे हैं और क्या क्या यहाँ पर, ये देखो पेंट वगैरह सब कुछ है।
तो चलो देखते हैं और क्या क्या। शूज़ भी हैं यहाँ पर, बहुत कुछ है आपको देखने के लिए। शूज़ भी क्या 22-22 रियाल में, पता नहीं भाई, चलें फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर पैंट भी मिल जाएंगे आपको, उनका यार अच्छा कपड़ा लग रहा है वो, उसे क्या नाम है, उसे तो अच्छा है, पाकिस्तान का क्या नाम था। तो वे चाचा चाची जो ना यहाँ पर निकालें डीडी भाई के लिए सूट, और डीडी भाई के लिए चाची ने जो ना ये वाला चुना है, ये जो बेबी पिंक कलर का है, तो ये और इसके साथ में चाची ने चुना है कि ब्लैक पेंट जी। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कल परसों आऊँगा, फिर यहाँ से ना कुछ और भी ले जाएंगे। ये देखें कितनी अच्छी अच्छी है ना, तो अच्छे ही है यहाँ पर, और क्वालिटी भी अच्छी है, वहाँ से भी अच्छी है। ये बच्चों के भी है 13-13 रियाल में, माशाल्लाह से। और यहाँ पर जो ना आपको देखने को कैप भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी। और चाची ने जो ना आज मेरे लिए एक ये लिया है, ये देखें, ये जो ना वो नाइट चाची बोले नहीं चाची, मैं ऐसी असल में टोपी पहनता नहीं हूँ इस वजह से। चाची पूरा येलो येलो चूजा बना के छोड़ नहीं, बस छोड़ दो इसको। चाचा चाची जो ना अभी यहाँ पर ना बोल रहे हैं इसके साथ ये ढूंढ लो तो ये अच्छी लगेगी। नहीं नहीं चाची, मैं पहनता भी दूसरी तरीके का ना, ये वाली जैसे ये ऐसे सीधी होती है, जो अच्छी लगे ले लो। नहीं नहीं बस बहुत हो गई, मेरे पास पैसे पहले भी 4 टोपी पड़ी हुई है वहाँ पर। शूज भी हैं गाइस यहाँ पर, ये देखें। नहीं चाची हमने देख लिया सब कुछ, नहीं और यहाँ पर आपको मतलब बहुत कुछ मिलते हैं। और अभी ये देखें बच्चों की साइड पर आ गए, उनके कपड़ा यार इतना अच्छे है ना, मतलब साल साल जो ना यहाँ पर मतलब आप पहना सकते हैं सबको। और यहाँ पर ये देखें छोटे छोटे बच्चों की पैंट्स वगैरह भी हैं, और इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। और ये देखें यहाँ पर जैकेट वगैरह भी सब कुछ है, मतलब बहुत कुछ है भाई देखने के लिए आपको और लेने के लिए भी। ये सबसे बेस्ट मार्केट मुझे अभी फ़िलहाल के लिए देखिए, क्योंकि ये देखो इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी के कपड़े 20-22 मतलब पाकिस्तानी मतलब 25, हाँ 25 पाकिस्तानी 2000 बन जाते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे हैं ना। यहाँ पर ये देखो क्वालिटी तो है बिल्कुल न्यू मिलते हैं वहाँ पे। फादिया नहीं छोटी डड्डूंगी दुआ पोतर को, तेरे पोतर। अच्छा मीर हमजा मीर सर, मीर नहीं चाचा मीर से, चाची बड़ी है बहुत, ये मीर कौन से, हाँ ये शायद मीर को आज। ये देखें ये भी बहुत ही प्यारे प्यारे, ये चाचा बड़ा है। और अभी चाची को भी समझ नहीं आ रही कि कौन सा पता नहीं किसका होगा, या फिर चाची आज चलते हैं वो सुमेरे वहाँ से ना पूछ लेंगे कल, बोलते हैं चलो भाई अभी चलते हैं वापस। 12 बज गए ना, 12 बजे ये बंद हो जाता है टॉप 20। ये मार्केट अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है ये वाली, इसके अंदर आपको कपड़े बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। और भी अभी हम लोग वापसी जा रहे हैं, और साथ में है क्या है भाई इसका नाम, अच्छा ये कॉफ़ी शॉप है साथ में। अच्छा ये भी बहुत प्यारा लग रहा है मुझे तो, ये देखें क्या नाम है दरात अल कहवा, और साथ में जो ना एक ये है बहुत अच्छी है, मतलब ये सूक 22 है इसका नाम। और ये पनी लोकेशन कौन सी थी, ये मदीना से मतलब थोड़ा सा दूर है, वो अंदर की साइड पे एक और मलिक हदीका मलिक फहद है उसके साथ में भी है, लेकिन वहाँ पर जो ना इतनी अच्छी नहीं है जितनी यहाँ पर है। और एक जो है ना अलग से जो ना ये क्या नाम है मिश्राऊ, मतलब ये पूरा सेटअप है सारा एक एक साथ में, बहुत अच्छी जगह है अगर शॉपिंग करना चाहते हैं। चाचा ये इलाके का नाम क्या है इसका, अजीज़िया, अजीज़िया में, अच्छा हाँ। और ये है भाई मशरक कॉफ़ी शॉप है यहाँ पर, ये भी अच्छी लग रही है हमें। और साथ में ये देखें बैठने का सेटअप भी है यहाँ पर, तो अच्छा है अगर आप लोग आएँ कॉफ़ी वगैरह पिए। सामने मीर कातू है, उसके साथ में सूक 22 है, और अभी जो है हम लोग चाचा चाची हम लोग सब जो है वापस जा रहे हैं। और आगे हम लोग आए थे अजीज़िया की तरफ, यहाँ पर शॉपिंग की है, और अभी जो है जा रहे हैं घर वापस की तरफ। इधर देखो पहाड़ी है, लेकिन अभी ना सही से दिख नहीं रही, और बिल्कुल इसके ऊपर जो है देखें फिटनेस लैंड है यहाँ पर, मतलब ये मेकअप है लेडीज़ की, क्योंकि लेडीज़ को खड़ा किया मैंने। चलें अभी यहाँ से चलते सीधा घर की तरफ। अच्छा ये जो है अभी आ गया बिन दाऊद, और बिन दाऊद के बिल्कुल ही साथ में है चाचा बोले, ये बिल्कुल हमारे गांव वाले बंदे का, खानपुर वालों का, उनका ही है जो ना बिन दोत बना हुआ है। तो एक ये इनके तो बिन दो चाचा बहुत सारे इधर बदले, हमें तीन है। सो गाइस अभी हम लोग आगे हैं अलबैग पर, और अलबैग पर जाके अभी चाचा चाची बोलते हैं कि भाई अलबैग भी खाना पड़ेगा हमारे साथ, क्योंकि बोलते जा रहे हो तो उसी जो ना मतलब एक यादगारी के लिए। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। अच्छा साथ में चॉकलेट वाली शॉप भी है यहाँ पर, और ये बिल्कुल ही मेन रोड पर है, और ये भी मैं कहते अजीज़िया में ही आएगा, हाँ अजीज़िया वाला अलबैग। अच्छा ये वाला थोड़ा अच्छा है ना, ओपन मॉल है सारा, बैठने का सिस्टम भी और खाने का भी है यहाँ पर।
और यहाँ पर देखें नमाज़ पढ़ने की जगह भी दी गई है, और साथ में ये देखें कुछ इस तरह से यहाँ पर आप लोग बैठ भी सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। अच्छे हैं ये वाला भाई, ये देखो ऐसे बाहर मतलब वो जो ग्लास मैंने दिखाया था, और यहाँ से जो ना गाइस ये चेक करें, ओ भाई सब के ये कैशियर है सामने। अरे यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं है वैसे, बहुत अच्छा है यहाँ का सिस्टम। चलो अच्छा है, आओ और लो और जाओ। अलबैग में पहली बार देखा इतना कम रश है, असल में ये हरम के करीब नहीं है ना तो इस वजह से, लेकिन जो भी अच्छा है यार। और भी अभी मैं इधर वेटिंग पे बैठा हूँ, चाचा खाना ले रहे हैं, मैं लेकिन इनको रोक रहा हूँ कि भाई नहीं खाना कुछ भी, लेकिन चाचा चाची भाई बहुत ज़िद्द कर गए कि नहीं तुम जा रहे हो, ये है वो है, और बोलते थे जल्दी टिकट भी क्यों कराइए। पहले तो बहुत नाराज़ हुए कि भाई तुम जल्दी टिकट क्यों कराइए, जब हमने कहा था कि पूरा महीना लगाओ। भाई मैंने बोला भाई वैसे तो मैं क्या करूँगा, ये बच्चों की याद आती है वो, तो बस देखें। और अभी इन्होंने शॉपिंग करनी थी और भी बच्चों के लिए सबके लिए, लेकिन वो सब कुछ वहाँ पे बंद हो गया क्योंकि 12 बज गए थे ना, तो बाकी जो हो गया इंशाल्लाह कल लेंगे। कल मैं सोच रहा हूँ पैसे लेकर आऊँगा, यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी बच्चों के लिए, यहाँ से कुछ ना कुछ ना एक दो दो चार सूट ले लेते हैं सब बच्चों के लिए। अभी खाली बैठे तो मैंने बोला चलो इनके यहाँ से बंदा हाथ वगैरह ही धो लेते हैं और क्या करें, तो इधर कोई बंदा तो नहीं है, ये देखें। अबे उनका एक चैलेंज तो आज का भी लोग हम यही एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की रूटीन जो थी आपके सामने थी, और अच्छा चाचा के साथ गए थे, तो चाचा को वालों को मैंने बताया कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, तो इन्होंने उसी टाइम निकले शॉपिंग करने के लिए, तो खैर वहाँ पर 12 बज गए थे तो पूरी तो कर नहीं पाए, फिर कल जाएंगे क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए थे। मैं थोड़ा दूर था तो ये वहाँ पर मुझे लेने आए और रास्ते में ये भी फंस गए, तो कल हम असर मगरिब के बाद अशा के टाइम किसी भी टाइम निकल जाएंगे और मैं भी जाऊँगा, और जो ना बच्चों के लिए और सबके लिए फिर जो ना शॉपिंग अपनी स्टार्ट करते हैं, मतलब कल के दिन में आधे से ज़्यादा हम लोगों ने कंप्लीट करनी है। बस यही थी रूटीन जो थी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से टिकट भी हो गया। बस मैं यहाँ पर अभी तीन दिन का समझो मेहमान हूँ, बस तीन से चार दिन भी शायद पूरे नहीं, हाँ 3 से 4 दिन का मेहमान हूँ बस। तो फिर इंशाल्लाह चलते हैं, और जितना वक्त गुजरा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, बहुत मज़ा आया, अपनी पुरानी यादें। और यहाँ पे तो जब आप मतलब घूम फिरे तो ठीक है, लेकिन जब टिकट कराई तो फिर जो ना एहसास होता है यार ये कितनी अच्छी जगह थी, तो अभी जो ना छोड़ने का दिल नहीं करता। तो ये ऐसा ही मतलब जब तक टिकट मेरी नहीं कराई, मैंने नहीं कराई तब तक तो लग रहा था बस सही है नॉर्मल है, लेकिन जब करा लो तो फिर जो ना आपको मदीना और ये सब चीज़ें बहुत याद आने लगती है। तो कल मैं पूरा दिन फिर से घूमूंगा सब जगहों पे, तो जितने दिनों यहाँ पर घूमता रहूँगा, और फिर एंड में जिद्दा से जाना पड़ेगा, फिर वहीं से उमरा करके ना इंशाल्लाह, क्योंकि जिद्दा से मक्का थोड़ा सा ही दूर है, तो फिर मक्का से जो ना उमरा करके फिर जिद्दा वाले दिन जिद्दा उसी दिन मेरे ख्याल से वो क्या बोलते टिकट करा के ना शाम की टिकट होगी, तो मैं एक दिन शायद पहले चला जाऊँगा वहाँ पर, तो वहाँ से उमरा करके इंशाल्लाह फिर ताज़ा फ्रेश होके ना ताज़ा उमरे वाला बंदा सीधा पाकिस्तान पहुँच जाएगा। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह सर जो वक्त गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी जो होगा कल आपको आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।